परी जैसी खूबसूरत मखलूक से दोस्ती करने का मल, उनकी दुनिया में जाने का मल, और उनसे ऐसो आराम लेने का मल, उनसे सेवा करवाने का मल। जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे PKS साधना चैनल में। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि परी की दुनिया में कैसे जाएंगे और उनकी दुनिया में जाकर खूब मज़े भी करेंगे, वहाँ से पैसा भी लेकर आएंगे और फिर से अपने घर पर भी आ जाएंगे, और जब चाहेंगे तब परी की दुनिया में जा भी सकते हैं। हमेशा के लिए नहीं, आपके मर्जी से ही जब चाहेंगे तब आप जा सकते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। ये अमल बहुत ही आसान है, आप इसे साधना अमल या एक तरीका भी बता मतलब बोल सकते हैं, या आप इसे एक तरह का कोई एक फार्मूला भी बोल सकते हैं परी की दुनिया में जाने का। क्योंकि मैं कोई साधना अमल ज़्यादा पर विश्वास नहीं करता, मैं डायरेक्ट बोल के बताता हूँ कि ये ऐसा ऐसा करना है, ठीक है ना। तो जैसा आदमी, अगर कोई ज़्यादा ही पढ़ा लिखा आदमी अगर इसे अंधविश्वास समझता है तो वो इसे एक छोटा सा ट्रिक समझेगा, कोई साधना के फील्ड में रहता है तो इसे अमल या साधना समझ सकता है। लेकिन है ये एक साधना और बहुत ही आसान तरीके से उनकी दुनिया में जाने का एक तरीका भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो नए आदमी है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह इस पर एक से एक तरह तरह के अमल भी इस पर बताए जाते हैं। तो चलिए हम बता देते हैं कि ये तरीका क्या है और ये अमल क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ कि इसमें कोई सामग्री की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई पढ़ने लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसमें कम पढ़ा जाएगा और कम मंत्र का उच्चारण होगा और कम ही इसमें विधि विधान है, और आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बता दें कि परी की दुनिया में कैसे जा सकते हैं। क्या है परी की दुनिया, कैसा होता है परी की दुनिया? एक ऐसा चीज़ है कि आप जब जाएंगे परी की दुनिया में तो वहाँ पे एक ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि हमारे दुनिया से ज़्यादा लगेगा कि ये सोना का दुनिया है, चांदी की दुनिया है, ऐसा आपको दिखेगा पूरी एकदम, मतलब कि हमारे दुनिया ही जैसा बड़ा दुनिया। वहाँ पर भी तरह तरह के जिन्नात, जिन परिया, मौकिलात, फरिश्ते, एक से एक चीज़ वहाँ पे रहते हैं, घूमते हैं, उनसे मिलने का अवसर, उनके पास जाने का अवसर, बहुत ही मतलब कि आसान आसान सा अवसर वहाँ पे मिलता है। तब हम बता देते हैं कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो जब आप परी की दुनिया में जाएंगे तो आपसे थोड़ी सी आपको कुछ बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। क्योंकि जब भी आप परी की दुनिया में जाएं तो आप डरे नहीं कि मैं अगर चला गया तो फिर आऊँगा नहीं, क्योंकि यही चीज़ से आदमी सोचता है और डर जाता है, ठीक है ना। क्योंकि उनके दुनिया में अगर जा भी सकते हैं तो आ भी सकते हैं, जो परी आपको लेके जाएगी वो लेके आ भी सकती है। दूसरा चीज़, वो परी इस तरह आपको कोई सामान वान नहीं देगी। हाँ, अगर परी की दुनिया में अगर आप गए कोई यहाँ पे अच्छा अच्छा सामान मिला तो लेके आ सकते हैं, वहाँ पे खूब परी आपकी स्वागत करेगी, एक नहीं 10 परी, लाखों परी आपकी स्वागत करेगी, ठीक है। परी की भी दुनिया में परी के माँ बाप रहते हैं, वहाँ पर भी आपको ऐसा ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको एक अत्र चाहिए, गुलाब का। गुलाब का अत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने बिछावन पे अच्छे से सो जाना है, याद रहे अच्छे से सो जाना है, आंख बंद करके सो जाना है, और उस अत्र को हाथ में ले लेना है, सीसी खोल के हाथ में रख के सो जाना है। सोते वक्त आप अपने तकिए के नीचे एक नक्श रखेंगे जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद एक मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र क्या होगा, मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, ये भी स्क्रीन पर भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप लोग अच्छे से उसको देख लें, लिख लें, ठीक है। उसको पढ़ते पढ़ते आपको सो जाना है, ठीक है ना। बस हो गया आपका यही काम, आपको 3 दिन करना है। जैसे तीसरा दिन होगा आप परी की दुनिया में चले जाइएगा, होशो हवाज में परी की दुनिया में चले जाइएगा, भले ही आप सोए रहिएगा लेकिन परी की जब दुनिया में जाइएगा तो आपको पूरा, जिस तरह की हम और आप बात करते हैं वैसे ही आपको फील होगा, पूरा चीज़ वैसे ही फील होगा। अगर आप वहाँ से कोई सामान लेके आएंगे तो कितना आदमी सोचेगा गुरु जी मैं जब सोया रहूँगा कोई सामान लेके आऊँगा तो क्या वो सपने में ही लेके आऊँगा, असली में नहीं लेके आ पाऊँगा, वो सपना नहीं रहेगा। कोई सामान लेके आइएगा, जैसे ही आप उठिएगा तो वो सामान आपके जो बिछावन होगा उसके बगल में रखा पड़ेगा, समझ में आ गया। बहुत ही विचित्र अमल है, इसमें कोई तरह का हर चीज़ में आपका फ़ायदा है, फ़ायदा है, फ़ायदा है, ठीक है। तो यही आज का एक छोटा सा अमल था और एक विधि विधान था, मैं आपको बता दिया।
अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो चाहिए, अगर आपको ऐसा ही अमल चाहिए तो कमेंट पे भी लिख दीजिए कौन कौन सा मैं और अमल लेकर आऊँ, ठीक है ना। क्योंकि लगभग मैंने हर चीज़ का अमल बता ही दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर, फिर भी मैं अच्छा अच्छा और लेके मतलब सोच रहा हूँ और अच्छा अच्छा आपको साधना में तरीका बताऊँ, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, अब मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। तब तक जी नमस्कार, जय माता दी।